नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग इंडिया हिंदी पर। तो किसान भाइयों, खेती की नई नई तकनीक की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मिंग इंडिया हिंदी चैनल को। तो प्रिय किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायर क्रॉप साइंस कंपनी के एक लेटेस्ट फंगीसाइड प्रोडक्ट बोन्स के बारे में। बोन्स के बारे में हम बात करेंगे और ये फोलिक्यूर से क्यों बेटर है, फोलिक्यूर से इसके आपको फोलिक्यूर से ज़्यादा क्या फ़ायदे हैं, वो सब बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों बायर कंपनी के ही एक प्रोडक्ट फंगीसाइड प्रोडक्ट फोलिक्यूर के बारे में। फोलिक्यूर के बारे में किसान भाइयों आपको बता दें कि आपको पता होगा उसके अंदर टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी फॉर्म में होता है, और ईसी फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है किसान भाइयों जो कि एक आपको, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको थोड़ी सावधानियाँ उसके प्रति रखनी होती है। अगर आप उसकी सावधानियाँ नहीं रखते हैं तो आपके शरीर पर एलर्जी टाइप होना शुरू हो जाती है। वो ऐसी ऐसी फॉर्म होती है जो लैमडा के अंदर भी होती है, वही इसी फॉर्म में होती है। तो किसान भाइयों उस चीज़ से बचने के लिए आपको बता दें किसान भाइयों, तो आपको जो बायर कंपनी का जो फंगीसाइड ये प्रोडक्ट नया आया है इसके अंदर टेबुकोनाजोल 38.39% में है, और ये ऐसी फॉर्म में है, ये ऐसी वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा जैसी प्रॉब्लम आपको फोलिक्यूर देता है। वैसे तो फोलिक्यूर के भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन ये आपको इसके अंदर मात्रा बढ़ाकर कर दी गई है, ये आपको वो फ़ायदे भी देगा। तो अगर हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल इसके अंदर बोन्स के अंदर टेबुकोनाजोल 38.39% था, उससे बढ़ाकर दे दिया गया है। आपको बता दें किसान भाइयों कि इसका रेट भी आपको फोलिक्यूर से बहुत कम पड़ेगा। वो आपको तय करना है, वो आपको फैसला करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों हम आपको बता दें कि इसकी 1 लीटर की जो पैकिंग होती है उसका लगभग आपको 1800 से 2000 रुपये तक का रेट मिलता है, और आप उसको 5 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 200 ml प्रति एकड़ की इसकी डोज होती है बायर की बोन्स की। तो किसान भाइयों ये आपको तय करना है कि आपको फोलिक्यूर का इस्तेमाल करना है जो 25.9% में है, या ईसी फॉर्म में है, और या फिर आपको बोन्स का इस्तेमाल करना है। दोनों ही प्रोडक्ट अपनी जगह पे बहुत ही सही है, आपने इस्तेमाल भी किया होगा और आप बोन्स का इस्तेमाल भी करके देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। आपको बता दें किसान भाइयों जो टेबुकोनाजोल होता है वो आपकी फसल की ग्रीननेस भी बढ़ाती है, इसकी जो क्लोरोफिल होती है आपकी फसल की वो बढ़ाती है। आपको बता दें किसान भाइयों कि आप बोन्स का इस्तेमाल किस किस फसल पर कर सकते हैं। आप गेहूँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पीले रतुए के लिए, और इसका इस्तेमाल आप अपनी जीरी की फसल में कर सकते हैं शीत ब्लाइट के लिए, आप मक्की की फसल में फंगस के रोग के लिए कर सकते हैं, आप अपनी सब्जी की फसल में भी इसका सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते ये हैं। थी जानकारी बोन्स के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।